देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में मैं आपका मेज़बान मोहम्मद तकी हुसैन फिर आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, जीएचएमसी इंतखाबात की राय शुमारी जारी है। 150 में से 144 नशितों पर राय शुमारी खरीबुल ख़त्म है, जिसमें कुछ नशितों पर उम्मीदवारों ने कामयाबी भी दर्ज कर दी है। इस तरह अब TRS 71 नशितों पर आगे नज़र आ रही है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 37 नशितों पर आगे चल रही है, जबकि BJP 30 से ज़ायद नशितों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 3 नशितों पर आगे चल रही है। इन तमाम अदाद शुमार में TRS और मजलिस और कांग्रेस की जानिब से जीते गए नशितें भी शामिल हैं। अब कुछ ही देर में मुकम्मल नतज, यानी कि दूसरा राउंड भी ख़त्म हो जाएगा और मुकम्मल नतज हमारे सामने होंगे। नाजरीन, देखा यह जा रहा है कि कुछ ऐसे इलाके हैं भारतीय जनता पार्टी जहां पर कामयाबी हासिल कर रही है, जिसमें गुज़िश्ता में जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अराकीन असम्बली ने इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कुछ कैडर था, जैसा कि मुशीराबाद है, आप उप्पल है, अब दीगर कुछ खैरताबाद है, अब गोशा महल में तो खुद वहाँ का MLA BJP के MLA हैं, ऐसे कुछ हलका जात असम्बली है जहाँ पर BJP TRS के दरमियान काफ़ी कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। और बाकी जो नई आबादियां हैं, उन नई आबादियों में TRS का मौक़िफ़ बरकरार है और TRS को वहाँ की आवाम ने अपने एतमाद में लिया है और उसको अपना वोट दिया है। पुराने शहर में जैसे कि आप बखूबी वाकिफ़ हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने मौक़िफ़ को बरकरार रखने में कामयाबी हासिल करती नज़र आ रही है। मुख्तलिफ हलकों में 24 से ज़ायद हलकों में MAM अभी कामयाबी हासिल कर चुकी है और कई बेशतर हलकों में MAM के उम्मीदवार काफ़ी आगे चल रहे हैं। इसी तरह TRS पार्टी के उम्मीदवार 71 हलकों में शपथ लिए हुए हैं, जिसमें कई हलकों में उनके उम्मीदवार कामयाबी दर्ज कर चुके हैं। नाज़रीन, हमने कल अपने एग्जिट पोल में बताया था कि TRS को 72-80 नशितें आएंगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 44-42-45 नशितें हासिल होंगी। तो हमारे एग्जिट पोल करीब करीब जो दो पार्टियों के हमने जो आंकड़े दिए थे, करीब करीब वो 80% से 90% तक वो सही नज़र आ रहे हैं। BJP, क्योंकि हमने BJP को 20 या 20 से +5 हमने कहा था, लेकिन कुछ उससे ज़्यादा BJP ने मुजाहरा किया है, लेकिन मजमू अब जो सूरत हाल आपके सामने वो कि TRS 71 नशितों पर आगे चल रही है, MAM 37 नशितों पर आगे चल रही है, BJP 30 से ज़ायद नशितों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 3 नशितों पर आगे चल रही है। फिर एक बार मैं आपको कहना चाहता हूँ, इन नशितों में कुछ नशितों पर आगे चलने वाली पार्टियाँ, यानी TRS, मजलिस, BJP और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने कामयाबी दर्ज की है। इस तरह और कुछ ही देर के बाद, यानी कि एक घंटे के अंदर हम आपको GHMC इंतखाबात के नताइज की मुकम्मल साफ सुथरी तस्वीर पेश करेंगे। तो नाज़रीन, जुड़े रहिए मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़ के साथ।